बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हाज़रीन और सामईन। हसबे बाद आप फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को भी बहुत ही पसंद करेंगे। और मेरे वो दोस्त जो फेसबुक पर मुझसे ऐड हैं और ये उनकी बहुत ही ख़ास फरमाइश थी, तो मैंने सोचा कि आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा जो हिकमत में है, जिसे हकीम लोग लाखों रुपये में बेच रहे हैं, तो वो आप घर पर तैयार करें और इस नुस्खे के और क्या क्या फ़ायदे हैं शुगर के अलावा, तो वो भी आपको इस वीडियो में बता देंगे। लेकिन उससे पहले आपने करना कुछ इस तरह कि मेरे चैनल को कर देना है लाइक और सब्सक्राइब। जी नाज़रीन, तो ये नुस्खा जो है ये उन अफराद के लिए है जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इंसुलिन भी लगवा रहे हैं, इंजेक्शन भी दे रहे हैं और भी बहुत सी एहतियातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये देसी नुस्खा है। उसके अलावा वो अफराद जो दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, शुगर की वजह से उनमें कमज़ोरी हो रही है, टांगों में कमज़ोरी है, ऐसे अफराद जिन्हें दमा हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए बहुत अच्छा ये नुस्खा है। इसके अलावा वो अफराद जिन्हें टांगों में दर्द, पट्ठों में दर्द, जोड़ों की तकलीफ और सबसे बढ़कर वो अफराद जिन्हें गुर्दों में डायलिसिस यानी गुर्दे उनके ख़त्म हो रहे हैं और उन्हें कोई मेडिसिन भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या इस्तेमाल करें, तो वो मेरे कहने पर इस नुस्खे को एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। और वो अफराद जिन्हें गुर्दों में पथरी है, तो ये नुस्खा पथरी को भी बहुत जल्द बाहर निकाल देगा। तो इस नुस्खे के जो अज्जा हैं वो आप बेशक नोट कर लें और इनको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल ऐसे करना है कि जो नुस्खा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके तमाम अज़ा को हम वज़न लेकर यानी 50-50 ग्राम लेकर बारीक पीस लें और उसके कैप्सूल बाज़ार से मिलते हैं खाली कैप्सूल, बड़े साइज़ के या जिन्हें ज़ीरो साइज़ का कैप्सूल कहा जाता है, वो कैप्सूल लेकर उन्हें भर लें और इस नुस्खे को आपने सुबह दोपहर शाम खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है और चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा शफा हो गई है, बहुत सी तकलीफ़ें जो पहले आपको बहुत महसूस होता था वो भी ठीक हो रही हैं। तो नुस्खा यह है जी कि इसमें 5 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। नंबर 1 है खुशक तुम्बा, नंबर 2 है कलवंजी, नंबर 3 है गोंद की खर, नंबर 4 है तुख्म सरस, नंबर 5 है गुठली जामन। तो इन तमाम अशा को आपने बारीक पीस कर सुबह दोपहर शाम लेना है खाने के बाद, और आपको ये तमाम तकालीफ जो शुगर की वजह से होती है, जो दमा में मसला होता है, या ऐसे अफराद जिन्हें गुर्दा की पत्थरी या डायलिसिस का मसला चल रहा है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो यकीन आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।